तो मैं एग्जांपल्स देता हूँ जो कल हमने डिस्कस किया हुआ है, रजिस्टर रिलेटेड और वो सारी चीज़ें, उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल करते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एग्जांपल करता हूँ, आप लोग सॉल्व करें। सॉल्व करें और चैट बॉक्स में आंसर करें। कल जो हमने डिस्कस किया हुआ है लेक्चर में, सेम उसी फॉर्मूले पे, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। वेरी गुड गौरी कारंजकर, करेक्ट आंसर। यार बाकी लोग भी देखे, मतलब ऐसा कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो नहीं, स्ट्रेट है। इतने लास्ट लेक्चर में हमने चीजें डिस्कस की थी, हमें एक बेसिक फॉर्मूला पता था दैट आर टी एट एनी टेम्परेचर इज आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी, ये हमें पता था। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि अगर हमें अल्फा नहीं पता है तो हम कैंसिल आउट करने का ट्राई करते हैं, तो इसे कुछ इस तरीके से हम और मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बताया हुआ था कि इसे मॉडिफाई कर सकते हैं लाइक R1 माइनस R0 अपॉन R2 माइनस R0, दोनों R0 को लेके आए इस तरफ और अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स इस तरफ वैल्यू आएगा T1 एंड T2। इस पैटर्न पे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास है, गुड प्रेम करेक्ट आंसर, गौरी मेरा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखें फिर वैल्यू, मुझे लगता है अभी जस्ट बस मैथमेटिकली आपको सॉल्व कर देना है यहाँ पर। अथर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेट कर सकते हैं उन चीजों को। तो मैं वैल्यू रख रहा हूँ R1, लेट्स से मैंने कंसिडर किया हुआ है 10 ओम। सो 10 माइनस R0 हमें फाइंड करना है, लेट्स से x अपॉन R2, लेट्स से 12 माइनस x इज इक्वल टू T1, मतलब टेम्परेचर है ये, टाइम नहीं है याद रखना है, ये T टेम्परेचर है। सो R1 मतलब हमने 20 डिग्री सेल्सियस पे लिया है, सो 20, और R2 30 पे लिया है 30। तो ये दोनों जीरोज कैंसिल और जस्ट हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है। सो दिस विल बी 30 माइनस 3x इज इक्वल टू 24 माइनस 2x। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 6 ओम। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, मुझे लगता है काफी सारे लोगों ने कर लिया होगा, काफी लोगों ने आंसर कर भी दिया है हमें डायरेक्टली। ओके सर? गुड। या हाँ सर, मेरा चैट नहीं हो रहा है, चेक नहीं हो रहा मींस चैट नहीं हो रहा है ओके आंसर। ओके चैट बॉक्स ओके। हाँ तो मे बी एक बार फिर से आप डिसकनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करके ट्राई कर लो, कई बार हो जाते हैं, काफ़ी सारे फंक्शन कई बार नहीं काम करते, सो बेस्ट ऑप्शन रहता है आप रीकनेक्ट कर लो, सॉल्व हो जाते हैं बहुत सारे इश्यूज। ओके हाँ okay? हाँ ठीक है।
ओके तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे आज एक जैसे कल हमने टेम्परेचर की बात की, थर्मोस्टेट थर्मोस्टर्स की बात की, तो उसी तरीके से एक और फेमस डिवाइस रहता है रियोस्टेट। रियोस्टेट कितने लोग ऑलरेडी जानते हैं बताएं? सर हाँ ओके ओके कोई एक्सप्लेन करे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं रियोस्टेट का काम क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं ना। ओके रेजिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन से लाइक रेजिस्टेंस कैन बी एडजस्ट और वेरिएबल रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस कैन बी एडजस्टेड, ओके। रजिस्टर कैसे एडजस्ट होगा एक बार हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सो मैं एक फिगर चूज कर लेता हूँ रियोस्टेट का, ओके। तो ये एक सैंपल फिगर है रियोस्टेट का। अगर इस फिगर में देखें रियोस्टेट में एक्चुअली होता क्या है, ये कुछ इस तरीके का रियोस्टेट रहता है जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है ये इमेज। इसमें यहाँ पे जो ये है आप ग्रे कलर का देख पा रहे हैं, ये पूरी कॉइल्स होती है, वायर्स होती हैं। सो ये कॉइल ऑफ वायर है, कॉइल ऑफ वायर। इसमें पॉइंट क्या है, कॉइल ऑफ वायर क्या है, बिकॉज हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो जितनी लेंथ यूज करेंगे उतना ज्यादा रेजिस्टर यूज होगा। सो ये कुछ इस तरीके से काम आता है कि यहाँ से हम अपना करंट इनपुट देते हैं इनपुट, और अगर हमने इस वाले नॉब से आउटपुट ले लिया, अगर हमने इस वाले नॉब से आउटपुट ले लिया तो देखो क्या होगा, कितनी लेंथ यूज होगी, लेंथ यूज्ड फुल, कंप्लीट लेंथ यूज होगी। अगर हम बात करें तो करंट यहाँ से जाएगी, इस वायर के थ्रू ट्रेवल करेगी और वापस इस वाले पॉइंट से निकल आएगी। तो इसका मतलब फुल रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज होगा, ओके। बट यहाँ पर ऊपर हम देखें तो एक स्लाइडर लगा होता है। अब इस स्लाइडर का काम क्या है कि अगर हम कनेक्शन आउटपुट यहाँ से नहीं रखें, आउटपुट ये वाला नहीं रखें, ये आउटपुट का काम क्या है, टू यूज फुल रेजिस्टेंस, टू यूज मैक्स रेंज होता है ये, बट हम ऐसा नहीं करते हैं। तो हम ऐसा ना करके इसको क्या करते हैं, यहाँ पे पीछे एक नॉब लगा रहता है इस वाले पार्ट से, ओके, ये स्लाइडर से। तो स्लाइडर में अगर हमने वर्क किया हुआ है तो यहाँ पे देखें आप, ये आपको एक दूसरा पॉइंट दिख रहा है, तो क्या किया जाता है, आउटपुट यहाँ से लिया जाता है, डन। सो इस तरीके से किया जाता है कि इसको आउटपुट बना दिया जाता है। अब इसको आउटपुट बनाने से होगा क्या कि करंट का पाथ देखें बिल्कुल चेंज हो चुका होगा, करंट अब इस वाले पाथ में जाएगा, ओके। करंट इस वाले पाथ से जाएगा, इस रेजिस्टेंस को यूज करेगा और जैसे ये मेटेलिक स्ट्रिप उसे मिलेगी ये इस वाले बार के थ्रू वापस निकल जाएगा। दैट मींस अभी जो रेजिस्टेंस यूज हुआ वो कितना यूज हुआ, सिर्फ ये वाला रेजिस्टेंस यूज हुआ आर, इतने लेंथ का। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस को एडजस्ट किया जा सकता है जस्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ आर प्रोपोर्शनल टू एल। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये फिगर बिल्कुल आपको ऐसे ही कनेक्ट करना होता है, आप डिफरेंटली भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे आउटपुट लिखा है, कुछ लोग यहाँ पे इनपुट कर देते हैं, अगर आपने यहाँ पे इनपुट किया और आउटपुट तो यही रहेगा तो फिर लेंथ यूज किया होगी, ये वाली लेंथ यूज होगी। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसको कैसे करना चाहते हैं, डन। आप इसको इनपुट भी बना सकते हैं, ये भी इनपुट हो सकता है, बट अगर ये वाला इनपुट होगा सो लेंथ यूज क्या होगी, ये वाली, ये रजिस्टर होगा इफ दिस इज द इनपुट, ओके। और ये वाली लेंथ यूज होगी जब हम इस वाले पार्ट में यूज करेंगे। तो ये दो डिफरेंट सिनेरियो मैंने बता दिए कि किस तरीके से रियोस्टेट को हम एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। रियोस्टेट में किसी को कुछ डाउट है तो बताएं, ओके। अच्छा, इसका आर इतना ज्यादा होता है, इस रियोस्टेट की बात करें क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथ होती है वायर की, इसलिए बहुत हीट होता है, बहुत। तो जनरली प्रेफर नहीं किया जाता कि रियोस्टेट आप ज्यादा यूज करो,
क्योंकि रियोस्टेट बहुत जल्दी हीट होता है, टच भी नहीं करना चाहिए, मतलब आपने इवन कनेक्शन हटा दिया ना तब भी ये कॉइल बहुत हीट रहती है, तो कभी आप एक्सपेरिमेंट में जब करें तो रियोस्टेट को भूल से टच नहीं करें। ओके, रियोस्टेट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमर्शियल रजिस्टर की बात करें। सो अगर हम एक कॉमर्शियल रजिस्टर की बात करें, जो कॉमर्शियल रजिस्टर होता है वो एक्चुअली कार्बन रजिस्टर होता है। सो कार्बन रजिस्टर्स उन्हें बोलते हैं, ठीक है। ये जो रजिस्टर्स है कार्बन रजिस्टर्स, ये कॉमर्शियली यूज किए जाते हैं, तो यूजुअली ये पर जो है कॉमर्शियल पर्पज के लिए रहते हैं। अभी हमें करना क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से होते हैं कि एक मिनट, इनके भी मैं थोड़े से इमेज ऐड करता हूँ तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ओके, तो ये कॉमर्शियल रजिस्टर है जिसे कार्बन रजिस्टर भी बोलते हैं। ओके, अभी इस कार्बन रजिस्टर में देखें, आप देख पा रहे हैं कि एक्चुअली जो रेजिस्टेंस वाला मटेरियल है, जो एक्चुअल रेजिस्टेंस वाला मटेरियल है, ये कार्बन कंपोजिशन है। ये कार्बन कंपोजिशन अंदर ये मटेरियल की तरह काम करता है और ये जो है हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, क्लियर। इसके बाद इसके ऊपर एक इंसुलेटिंग कवर होता है, बिकॉज ऐसा नहीं हो कि करंट फिर बाहर आपको टच करने से लगे। और ये लेड की स्लाइड्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, करंट आपको कनेक्ट करना है किसी भी पार्ट में, तो इन रजिस्टर्स को आप यूज कर सकते हैं। तो ये कार्बन रजिस्टर जो कॉमर्शियल रजिस्टर है उनमें ये सारे पॉइंट्स रहते हैं कि पहले अंदर कार्बन का मटेरियल रहता है कंपोजिशन, और लेड के थ्रू वो कनेक्टेड रहता है, और एक इंसुलेटिंग कवर होती है। फिर उसमें एक कलर कोडिंग दी होती है, जैसे आप देख सकते हैं 4 strips ऑफ कलर्स यहाँ पर यूज हुई हैं, 4 strips ऑफ कलर देख सकते हैं क्लियर। ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, और ये गोल्ड कलर है। ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा लास्ट वाला, बट वो गोल्ड कलर है। तो अगर हम बताएं कि जो कार्बन रजिस्टर है कॉमर्शियल रजिस्टर, उनकी एक कलर कोडिंग होती है, तो हमें वो कलर कोडिंग थोड़ी सी पहले देख लेनी चाहिए कि किस तरीके से कलर कोडिंग की जाती है। सो कलर कोडिंग की बात करें, ओके, कलर कोडिंग में हमें क्या करना है, पहले तो हमें लिस्ट याद करनी है कि किस कलर के किस तरीके से हमने नेम दिए हुए हैं, क्लियर। तो पहले मैं एक पूरी लिस्ट बनाऊंगा जो कि रेंज जो होती है वो ब्लैक टू व्हाइट की तरफ जाती है। जो कलर कोडिंग की रेंज है वो इनडायरेक्टली मैं लिखूं, ब्लैक से स्टार्ट होती है और व्हाइट की तरफ जाती है, ये कलर कोडिंग रेंज है। तो पहले कलर कोडिंग रेंज की बात करते हैं, मैं लिस्ट लिखता हूं और आप लोग भी हो सके तो याद कर लो डायरेक्टली, और या तो फिर लिख भी सकते हैं, इश्यूज नहीं है। लेते मैं सारे कलर पहले लिख देता हूँ, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, सॉरी येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट। ये कलर कोडिंग हो गई हमारी। इनके आपको करना क्या है, इनके आपको नंबर्स याद रखना है, इनका वर्थ क्या है। अगर इनके नंबर्स की बात करें तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैक की बात करें तो ये 0 से स्टार्ट होता है, ब्राउन 1, रेड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
सो टोटल 10 कलर्स होते हैं, ये हमें पूरे कलर कोडिंग हमें याद रखनी चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो फिर बाकी तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर रहनी चाहिए, ये सब लोग अभी ही याद कर लें। इनके थोड़े से अगर कोड के बारे में बात करें तो इनको कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं, इनके कोड के बारे में बात करें तो इनके कोड को इस तरीके से देख सकते हैं, बी बी आर ओ वाई जी बी वी जी डब्ल्यू, इस तरीके से याद कर सकते हैं पूरा एक सीक्वेंस। सीक्वेंस में अगर देखें तो थोड़ा सा मैं क्लिक करता हूं आपको, बी बी रॉय एक साइंटिस्ट का नेम है, एक साइंटिस्ट का नेम है, इंडियन साइंटिस्ट है, बंगाली, बहुत ही ज्यादा फेमस है बीबी रॉय। बीबी रॉय आगे आप लोग इसमें बना सकते हैं कुछ भी, तो पहला याद रखना है बीबी रॉय जो कि ज्यादा यूज होता है। इसमें अगर हम बात करें तो ये हो गया, इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं गुड बॉय, ओके, सो बीबी रॉय वेरी गुड बॉय वेरी गुड वाइफ याद कर सकते हैं हम, बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये तुरंत अभी जस्ट 10 सीक्वेंस याद करें, आपको कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी आनी चाहिए, तो इसलिए इस चीज को तुरंत लिखें। ये पूरे 10 स्टेटमेंट, ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है, आप इससे याद कर सकते हैं। बीबी रॉय जी बी वी जी डब्ल्यू, बीवी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। सो अगर ये कलर कोडिंग याद है तो अब हम बात कर सकते हैं वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस में अगर मैं बात करूं तो मैं एक और फिगर ऐड करता हूं यहां पे, ओके। सो अगर हम इस फिगर में बात करें तो यहाँ पर एक्चुअली में हमारे पास जो एक्चुअल रजिस्टर यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये एक कार्बन रजिस्टर है, सेम ये है एक्चुअली, ये थोड़ा लाइट कलर में ही दिखता है। तो यहाँ पर हम देखें हमारे पास फोर कलर कोडिंग्स दिख रही होंगी, तो फोर कलर कोडिंग्स कुछ इस तरीके से, लेट्स से इसका नाम लिख दिया हमने ए, इसका नेम है बी, इसका नेम है सी, और ये लास्ट वाले कलर को थोड़ा सा साइड में बनाया जाता है और ये है डी। तो ये लास्ट वाला कलर सबसे साइड में रखा जाता है, ये जिसकी वैल्यू है डी। अभी बात करें कि लिखा कैसे जाता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है यहां पर, ए बी इंटू 10^C प्लस माइनस डी परसेंट। इस तरीके से हम पूरा कंप्लीट करते हैं रेजिस्टेंस को लिखने का पैटर्न। अब ए बी सी डी ये क्या है, ये वैल्यूज हैं। सो ए बी सी तो आपको ये कलर कोडिंग से मिल जाएगा, क्लियर। एक चीज एक्स्ट्रा है डी, तो अगर हम बात करें डी क्या है, सो डी है टॉलरेंस, डी है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस एक टाइप का परसेंटेज है कि कितना परसेंट एरर होगा। तो इसमें तीन चीजें होती हैं, अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड मतलब बहुत ही अच्छा, सिल्वर मतलब कम अच्छा, और अगर कोई कलर नहीं है दैट मींस काफी खराब है वो, सो नो कलर। तो ये फिक्स होता है, टॉलरेंस क्या है, फिक्स्ड है। दो ही तीन टाइप के इंडस्ट्रियल टॉलरेंस चलते हैं, जैसे गोल्ड की बात करें, गोल्ड मीन्स 5% टॉलरेंस, मीन्स प्लस माइनस 5% हो सकता है। सिल्वर की बात करें, सो सिल्वर मतलब है प्लस माइनस 10%, ये कॉमर्शियल टॉलरेंस है। और नो कलर है, इसका मतलब बहुत ही सस्ता वाला रेजिस्टर है, 20% है। तो जैसे इस फिगर में हम देखें, सो येलो है हमारे पास, देन वायलेट है और रेड है, और ये गोल्ड कलर है। गोल्ड मीन्स 5% की यहाँ पर एरर है। अब एक गलती होती है स्टूडेंट से, ए बी को मल्टीप्लाई समझ लेते हैं, मल्टीप्लाई नहीं है, एज इट इज यहाँ पर रखना होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसको एज इट इज यहाँ पर रखना है। तो एग्जांपल के थ्रू हम करेंगे तो बेटर रहेगा, एग्जांपल देख लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से हम आंसर कर सकते हैं। लेट्स से
एग्जाम्पल वाइज देखते हैं, हमें रजिस्टर लिखना है किसी भी पार्ट का. सो लेट से फाइंड द रजिस्टर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन रजिस्टर with color strips as red, yellow, green and silver. तो इस तरीके से हमें लेट्स से कलर स्ट्रिप दी हुई है और उसके अकॉर्डिंग हमें पूछता है कि रेजिस्टेंस कैसे लिख सकते हैं. तो आपको तुरंत इनका पहले सीक्वेंस लिख लेना पड़ेगा कि अगर कलर सीक्वेंस देखे तो पहला रेड है, येलो है, ग्रीन है और सिल्वर है. सिल्वर तो एक साइड है, हमें अलग से ही लिखना होता है. तो पहले इन तीनों की वैल्यूज देखें. रेड की वैल्यू देखें, सो इट इज बी बी रॉय. आर मतलब थर्ड, थर्ड मतलब थ्री नहीं लिख देना है. थोड़ा याद करना है कि ये जो स्टार्ट हुआ है वो जीरो से स्टार्ट हुआ है. सो आर किसको बिलोंग करेगा? टू को बिलोंग करेगा. ओके, सो बी बी रॉय, आर ओ वाई, वाई फिफ्थ नंबर पे, तो इसका मतलब बिकॉज जीरो से स्टार्ट हुआ है तो वाई होगा फोर. बी बी रॉय के बाद गुड बॉय, सो गुड बॉय मतलब जी सिक्स कॉलम में है बट वैल्यू क्या आएगी? फाइव आएगी. और सिल्वर का मतलब कितना है? सिल्वर का मतलब है 10%. सो हम आराम से लिख सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखेंगे. 2 into 4 नहीं करना है, ये नहीं करना है. इसकी सिंपल वैल्यू होगी 2, 4, मतलब 24 into 10 to the power, G कितना है? 5, तो third will be 5, plus minus 10% हम यहाँ पर error रखेंगे, तो plus minus 10% ohm, तो इसे हम इस तरीके से ohm लिख सकते हैं, ठीक है? ओके, तो इसको क्या है, किलो ओम में भी कई बार लिख देते हैं. तो आपको इस तरीके से वैल्यूज चेक करनी आनी चाहिए कि किस तरीके से किस रजिस्टर को हम क्या चीजें कर सकते हैं. ओके, तो एक और एग्जांपल लिखता हूँ, आप कलर सीक्वेंस लिखकर हमें बताएंगे. मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, उसमें आप कलर सिक्वेंस लिख के बताएं. उससे पहले एक मिनट का टाइम ले और ये कलर सिक्वेंस और ये पहले याद करें. अभी जैसे मैंने बताया ए और बी को साथ में लिखना है, मतलब फर्स्ट कलर और सेकेंड कलर की वैल्यू साथ में लिखना है. उसके बाद थर्ड कलर को आपको पावर में रखना है, 10 to the power में रखना है थर्ड कलर. और फोर्थ जो कि दूर होता है उसको सिर्फ हमें एज अ टॉलरेंस कंसिडर करना है, एरर कंसिडर करना है और उसे परसेंट में लिखना है. तो ये है, एक बार मैं कलर सीक्वेंस सबको दिखाता हूँ, आप लोग एक बार जस्ट ये पूरा याद करें कलर सीक्वेंस. ओके, सो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप लोग क्लियर है इस ये पॉइंट. अभी क्या होता है, कई बार रेंज ऑफ रेजिस्टर पूछ लेता है. रेंज मतलब आपको टॉलरेंस सब्ट्रैक्ट और ऐड करके रेंज बतानी पड़ेगी. तो एक एग्जांपल देख लेते हैं.
ओके तो आपको आंसर कुछ इस तरीके से करना है, आपको आंसर इस तरीके से करना है। रेंज का मीनिंग होता है, रेंज का मीनिंग होता है आर मिनिमम टू आर मैक्सिमम, ये आंसर करना है। सो व्हाट विल बी द आर मिनिमम एंड व्हाट विल बी द आर मैक्सिमम, इस तरीके से आंसर करना है। वेरी गुड रघुनंदन, प्रथमेश वेरी गुड, करेक्ट। आशुतोष इट्स नॉट करेक्ट, प्रेम करेक्ट आंसर, आर्यमन इट्स नॉट करेक्ट, गौरी कारंजकर करेक्ट आंसर, नंदन इट्स नॉट करेक्ट, नो अथर्व इट्स नॉट करेक्ट, बहुत बेसिक सा मे भी आपने कुछ मिस किया हुआ है, बहुत बेसिक सा मिस किया हुआ है, चले देख लेते हैं। देखिए कलर कोड अगर है, सब ध्यान दें, कलर कोड है तो हम उस सीक्वेंस को पहले हमें याद कर लेना पड़ेगा। अगर हम बात करें ब्लैक रेड ब्राउन ये गोल्ड, सो कलर बैंड्स के नंबर अगर हम बोले, सो ब्लैक मतलब क्या हो गया जीरो, सो ब्लैक मतलब जीरो। रेड की बात करें सो रेड है टू, ब्राउन की बात करें सो ब्राउन है वन। तो अगर हम ये करें सो रेजिस्टेंस किस तरीके से लिखते हैं, रेजिस्टेंस लिखते हैं ए बी, सो फर्स्ट इज लाइक इस तरीके से लिखेंगे, इसको बोलते हैं हम ए, इसे बोलते हैं बी, इसे बोलते हैं सी, और रेजिस्टेंस लिखा जाता है वो लिखा जाता है ए बी इंटू 10^C प्लस माइनस। अभी पता है हमें गोल्ड है, सो यहाँ पे हमें पता है कि वो गोल्ड है, गोल्ड मीन्स हाउ मच परसेंट, 5%, तो ये हो जाएगा 5%। अभी देखो यार काफी तब भी लोगों ने गलत लिखा, ए मतलब है जीरो, बी मतलब है टू, इंटू 10^2, ब्राउन मतलब वन, सो ये हो गया प्लस माइनस 5%। अब देखो कितना सिंपल हो गया यार, ये जस्ट लिखा हुआ है 0 to 10, मतलब कितना लिखा हुआ है 20 + -5%, तो 5% ऑफ 20 निकाल ले, सो 5% ऑफ 20 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा परसेंट कैसे निकालते हैं 20 × 5/100, सो कितना आ जाएगा ये 1। सो इसका मतलब हुआ रेंज हो जाएगी, रेंज विल बी 19 to 21। पता नहीं इतने सिंपल से क्वेश्चन में भी आप लोग क्या क्या गलत कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ भी लिख रहे हैं। सो ये रहेगी रेंज हमारी 19 ohm to 21 ohm तक ये रेजिस्टर वर्क कर सकता है, कुछ भी वैल्यू ले सकता है 19 to 21 के बीच में। यार इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बता दो, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बता दें। ओके ठीक है, तो अगर हम बात करें लेट्स से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो अभी एक इनवर्स एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब उल्टा इसमें बताना है आपको।
ओके चले आंसर करें, और मैं बता दूं इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, याद रखें इस क्वेश्चन के लिए दो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, आप लोग लिख के बताएं। ओके सो ये दो पॉसिबल आंसर्स हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें तो पहला आंसर है हमारे पास ये, काफी सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया हुआ, वेरी गुड।
पहला आंसर हमारे पास है ये, और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है ये, दोनों ही करेक्ट हैं। आपको देखना है कि एग्जाम में आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर दोनों ऑप्शन मिल जाएगा, तो नहीं, सिंगल करेक्ट होगा तो दोनों आपको नहीं मिलने वाले हैं, अगर मल्टीपल करेक्ट टाइप है तो फिर मे बी पॉसिबिलिटी है दोनों मिल जाएगा, दोनों करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे चीजों को देख सकते हैं। अभी बताओ किसी को कुछ भी डाउट है ये वाले पार्ट में, कार्बन रेजिस्टर्स में कलर कोडिंग कैसे यूज करते हैं तो बता दो, किसी को कलर कोडिंग वाले पार्ट में डाउट है तो बता दें, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। सर एक डाउट है, पूछें सर, इसमें एक थर्ड टाइप भी आ सकता है ना, ब्राउन, ब्लैक, रेड और नो कलर। ब्राउन, ब्लैक, रेड और नो कलर क्यों आ जाएगा? क्योंकि 1000 का 20% आता है ना, 50। 3000 का 20%? 3000 नहीं, 1000 का 20% 50 आता है ना। सॉरी माय मिस्टेक, नहीं सर, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके ओके, 5% ही रहेगा ना ये तो। हाँ 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 सर, ठीक है। ओके, तो अभी बताओ यार किसी को इसमें कुछ भी डाउट है तो, यहाँ तक जो पार्ट हमने डिस्कस किया इसमें कुछ भी डाउट है तो बता दें। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए भी। यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है ये आपके 12th बोर्ड्स में ज्यादा नहीं है, याद रखना है, क्लास 12th HSC बोर्ड में ये जो मैंने अभी तक पढ़ाया है ये चीजें HSC बोर्ड में नहीं है, NCERT में ऑफकोर्स है। अभी यहाँ पे जो स्टार्ट कर रहा हूँ आपका जो HSC बोर्ड का है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक एकदम, किरचॉफ्स लॉ। ऑलरेडी थोड़ा सा किरचॉफ्स लॉ ऑलरेडी हमने इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी किया हुआ है, कैपेसिटर में मैंने थोड़ा आपको हिंट दिया था कि किरचॉफ्स लॉ क्या है, और इसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिटेल में पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ को। तो किरचॉफ्स के दो तीन लॉ हैं, दो लॉज हैं, लेट्स से पहले फर्स्ट लॉ को हाईलाइट करते हैं। देखिए फर्स्ट लॉ किसके बारे में, पहले तो ये समझना है कि फर्स्ट लॉ के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स भी हैं। अगर हम बात करें डिफरेंट नेम्स हैं, लाइक इसको करंट लॉ भी बोलते हैं। अब करंट लॉ क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें करंट के बारे में मेन डिस्कशन किया गया है। नंबर टू, अगर इसे बात करें तो ये जंक्शन लॉ भी बोलते हैं इसे, जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ क्यों बोलते होंगे, बिकॉज इट इज वैलिड ऑन अ जंक्शन, इसलिए इसे जंक्शन लॉ बोलते हैं। थर्ड, ये जो बेस्ड है इट इज बेस्ड ऑन अ चार्ज कंजर्वेशन। सो कुछ लोग कई बार क्या समझते हैं, सर इट इज बेस्ड ऑन अ करंट कंजर्वेशन। बेटा करंट कंजर्वेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है, जो स्टेटमेंट होता है इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। एक्चुअली मैं क्यों इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ कि चार्ज कंजर्वेशन आपको लिखना भी है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में यूजुअली जब आता है कि यार ये किस चीज पे बेस्ड है, तो पहला ध्यान हमारा जाता है सीधा एनर्जी कंजर्वेशन पे, तो ये वो सेगमेंट है जहां पे एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होती है, चार्ज कंजर्वेशन की बातें हो रही होती है। अब देखें एक्चुअली लॉ है क्या, स्टेटमेंट क्या है, एट एनी जंक्शन, अगर हम बात करें ये तो ये लेट्स से एक जंक्शन है, एट एनी जंक्शन। अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, बोर्ड्स में आप लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ एट एनी जंक्शन। अगर बहुत सारी वायर्स हैं वहां पर, लेट्स से ये एक वायर है, ये एक वायर है और ये एक वायर है, ठीक है, सपोज इन वायर्स में डिफरेंट डिफरेंट करंट फ्लो हो रही है, सपोज इस वायर में करंट फ्लो हो रही है I1, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है I3 और इस वायर में करंट फ्लो हो रही है I3, ये है I2, ये तीन करंट आ रही है। तो एट एनी जंक्शन अगर हम बात करें तो एज पर द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, समेशन ऑफ एलजेब्रिक समेशन, एक टर्म यूज किया जाता है एलजेब्रिक समेशन, सो एलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल करेंट्स, सो एलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल करेंट्स इज जीरो, मतलब एलजेब्रिक मतलब विद प्रॉपर साइन अगर हम रखेंगे, सो I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये तो हो गया एक बोर्ड्स में लिखने वाली बात, मतलब बोर्ड्स में जो लिखा जाता है वो ये स्टेटमेंट लिखा जाता है,
बट दिक्कत है कि क्वेश्चन सॉल्विंग में इसका उतना ज्यादा यूज नहीं होता है. क्वेश्चन सॉल्विंग में हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर एक सेगमेंट बना लेते हैं कुछ भी, कि एट एनी जंक्शन हम क्या करते हैं, कुछ अपने से रेफरेंस बना लेते हैं. एल्जेब्रिक का मतलब होता है विद प्रॉपर साइन. तो इसका मतलब लेट से हमने अज्यूम कर लिया कि लेट से जो आई इन आ रही है, इन मतलब जो किसी जंक्शन में इन आ रही है, उसको हमने बोल दिया लेट से पॉजिटिव, और आई जो आउट जा रही है, बाहर जा रही है, उसको हमने बोल दिया क्या, नेगेटिव. तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो अदर वर्ड्स में लिख सकते हैं कि जितने प्लस वाले हैं वो लेफ्ट में रहेंगे, जितने नेगेटिव हैं वो राइट में आ जाने वाले हैं. तो हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि टोटल आई इन इज इक्वल टू आई आउट होता है. मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिर्फ करंट इन ही हो रही है, क्योंकि जंक्शन पे चार्ज कंजर्व होना है, मतलब जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज बाहर भी जाना पड़ेगा. तो आई इन इज इक्वल टू आई आउट का हम डेटा लगा सकते हैं यहाँ पर. तो अब डेटा का मतलब मैं पर्पस क्या है वो चीज बता देता हूँ आपको. थोड़े से एग्जांपल के थ्रू हम ये चीजें देख पाएंगे. तो पहले क्लियर करें कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ को करंट लॉ भी बोलते हैं क्योंकि करंट की बातें हो रही हैं. जंक्शन लॉ बोलते हैं क्योंकि किसी भी जंक्शन पे वैलिड है. अब जंक्शन क्या होता है, बेटा मोर देन टू वायर्स का मीटिंग पॉइंट. सपोज ये एक वायर है तो इस पॉइंट को जंक्शन नहीं बोल देंगे बिकॉज ये एक सिंगल वायर है. एक और वायर यहाँ पे लगा देंगे, दिस विल बी कॉल्ड अ जंक्शन. तो ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जंक्शन क्या है. अगर हम बात करें कि क्वेश्चन किस टाइप में इस पॉइंट से आएंगे और यूज कैसे करना है, तो बहुत लॉजिकल यूज करना है आपको. ऐसा फॉर्मूला बेस्ड कुछ भी नहीं करना है, एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव रखना है. जैसे एग्जांपल से देखते हैं, बहुत ही क्लियर आएगी, समझ में आ जाएगा. लेट्स से ये एक वायर है, ये एक वायर है, ये एक वायर है, रैंडम सी कुछ वायर्स दे दिए मैंने. लेट्स से इसमें करंट जा रही है 10 A की. सो लेट्स से इसमें करंट है 10 A की. डन, बहुत ही कॉमन है. और इस वाले वायर में करंट है 3 A की. तो आपको बताना है कि ये वाली वायर में करंट किस तरफ होगी, क्या इस तरफ करंट होगी, इसमें किस तरफ करंट होगी. तो अभी एकदम क्लियर है कि अगर आपने इनटू करा दी, सो करंट दो जगह से इनपुट हो रही है. ध्यान दे, 10 यहां से आ रही है और यहां से कुछ आ जाएगी, तो ये वाली वायर में फिर 3 कैसे जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि अगर 10 से ज्यादा आ रही है तो फिर जाएगी भी क्या, 3 जितनी ही. तो मतलब एक कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि 10 करंट आ रही है तो इस वाली वायर में करंट इस तरफ जाएगी. वापस अगर आ गई तो फिर यहां से ज्यादा हो जाएगी ना जाने के लिए. तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सपोज ये वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, वायर नंबर 3. सो करंट इन वायर 3 will be towards the junction, sorry, will be out of the junction. और out of the junction common sense से निकाल सकते हैं क्या, अगर ये 10 यहाँ पर आई है so input 10 है, out कितना होगी. so हम अगर ऐसे तो common sense से निकाल सकते हैं, but अगर mathematical लिखना है तो I in is equal to I out इस तरीके से लिखेंगे. so in कितना हो रहा है 10, और आउट होने में एक 3 है प्लस एक मान लेते हैं कुछ x. तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7. इस तरीके से यहाँ से आई इन और आई आउट कर सकते हैं. अब मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, कॉमन सेंस क्यों समझा रहा हूँ. मैं चाहता तो ये भी लिख सकता था, समेशन ऑफ ऑल करंट आई इन 10 आई आउट -3 प्लस x इज इक्वल टू 0. सो x विल गेट -7. दिस शोज इट इज अ आउट करंट. क्लियर. बट जब मोर देन टू वायर्स हो जाएंगी तो फिर आप ऐसे समेशन निकालना कॉम्प्लिकेट होगा. कॉमन सेंस ही तब सबसे बेस्ट पड़ता है. तो इसलिए मैं इस पैटर्न पे समझा रहा हूँ. मैं डायरेक्टली किरचॉफ का ये जो फर्स्ट लाइन है समेशन ऑफ ऑल इज जीरो, इसके अकॉर्डिंग नहीं समझा रहा हूँ. ओके, तो सेकेंड एक एग्जाम्पल देखते हैं. ये सिंपल स्ट्रेट एग्जाम्पल ही देता हूँ, लेट्स से कॉमन सेंस लगाते हैं. ये पॉइंट है, लेट्स से ये करंट आ रही है 6A, ये करंट जा रही है 8A. सो इस वायर में करंट कहाँ होगी, इस वायर में करंट की डायरेक्शन और पॉइंट चाहिए. सो ये लेट्स से वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, वायर नंबर 3. सो करंट इन थर्ड, सो करंट इन
थर्ड वायर बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि यार अगर सिक्स आ रही है तो एट कैसे जा सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स कहीं और से तो आनी चाहिए ना, कंजर्वेशन ये है। इसका मतलब इस वायर पे जो करंट आ रही है वो कहाँ होगी, इनटू होगी, और कितनी हो जाएगी करंट, 2 एम्पियर। क्लियर, तभी 6 और 2 मिलके कितना 8 हो जाएंगे। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ करंट इन वायर थर्ड इज टूवर्ड्स द जंक्शन। और डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ कि आई कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। तो ये जस्ट एक कॉमन वैल्यू थी। तो इस तरीके से अब क्वेश्चन में इतना सिंपल एक फिगर नहीं रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रखा जाएगा। तो एक एग्जांपल देते हैं और आपको फिर वो आंसर करना है। सो इस एग्जांपल का आपको आंसर करना है कि क्या आंसर रहेगा इसमें। ओके, सो आपको चैट बॉक्स में आंसर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे आंसर्स हैं। आप निकाल के रखें, एक मिनट का टाइम देते हैं, उसके बाद मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आंसर टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग जस्ट सॉल्व करके रख लें, थोड़ा अच्छे से कॉमन सेंस लगा के क्रॉस चेक जरूर करें, फिर आंसर करें। और मैं कुछ स्टूडेंट से, कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट से आंसर्स पूछूंगा, आपको आंसर चैट बॉक्स में मैसेज करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ स्टूडेंट से पूछूंगा, इसलिए सब लोग सॉल्व करके रखें अच्छे से। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना है कि किसी भी जंक्शन पे जब तक आपको मिनिमम दो चीजें पता ना हो तब तक आप थर्ड नहीं फाइंड कर सकते। ये याद रखना, जब तक जंक्शन में दो चीजें ना पता हो। तो अगर मैं बोलूं कि क्या मैं 1 और 2 वाले जंक्शन पे स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि देखो 1 और 2 पे 1 नहीं पता, 2 नहीं पता, सिर्फ ये वाली पता है। तो ये जंक्शन पे स्टार्ट नहीं कर सकते, ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। तो हम किस वाले जंक्शन से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर
लेट से ये जंक्शन है पी, ये हमारा टारगेट रहेगा, हम जंक्शन पी से स्टार्ट करेंगे तो फिर हम क्लियर बता पाएंगे। अभी हम क्यू के बारे में बता पाएंगे क्या? क्यू जंक्शन नहीं बता पाएंगे, पहले पी से स्टार्ट करेंगे बिकॉज यहाँ पे दो वायर्स के बारे में पता है और फिर डिटेल में चीजें फाइंड करने का ट्राई करेंगे। ओके तो चले कुछ लोगों से पूछ लेते हैं। अनीश, अनीश एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो। हाँ सर। हाँ चलिए बताएं, सबसे पहले पी जंक्शन से हम क्या निकालेंगे? सर टू निकालेंगे, मतलब सेकंड पर। ओके सो टू पर बताएं कितना आ जाएगा? एट आएगा। ओके वेरी गुड। सो देखिए यार, मैं जंक्शन पी पे लिख रहा हूँ डायरेक्टली, हमें पता है कि 10 आ रही है और 2 आउट जा रही है, सो बाकी बचा रिमेनिंग कितना होना चाहिए? आउट जाना चाहिए। इसका मतलब 2 पर अगर हम देखें सो करंट जा रही होगी आउट, कितनी? 2 एम्पियर। सो वायर 2 पे अगर हम बात करें सो 8 एम्पियर की करंट जा रही होगी, तो आई 2 की बात करें वो आ जाएगा 8 एम्पियर आउट। क्लियर, वायर पे आउट जा रही होगी। आउट लिखने का मतलब नहीं है क्योंकि ये जो इन एंड आउट होता है जंक्शन की फीलिंग होती है, तो आप ऐसे वायर पे इन एंड आउट नहीं लिख सकते, जस्ट फिगर बना सकते हैं। ओके अब किसी और से बात करते हैं यार। ओके आदित्य पाटिल आप बताएं। चले यार कोई बात नहीं है, हम ही देख लेते हैं, बहुत ही स्ट्रेट है। अगर हम अब इस जंक्शन पे बात करें क्यू जंक्शन पे, क्यू तो अब एट जंक्शन क्यू क्या हो जाएगा? क्यू पे भी सिंपल हो जाएगा, करंट यहाँ से आ रही है 8 और निकल गई 6, सो इसका मतलब इस वाले में रिमेनिंग कितनी बची होगी? 2। सो अब ये कॉमन सेंस का फैक्टर हो गया। गुड, तो यहाँ पर अगर कॉमन सेंस की बात करें सो आई 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर हो जाएगी, स्ट्रेट। अब बात करते हैं 5 पे, तो हमें पता है कि इस वायर से 3 आ रही है, इस वायर से 2 आ रही है, तो ये जो 5 वाली वायर है इस वायर में कितनी आने वाली है? 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ बाकी सारी वैल्यूज को कि लाइक आई 5 कितनी हो जाएगी? सो आई 5 हो जाएगी 5 एम्पियर। ओके देन नेक्स्ट बात करेंगे आई 3 की, सो 5 यहाँ से आ रही है, 5 यहाँ से आ रही है, सो आई 3 में कितनी जाएगी? 10 एम्पियर। तो आई 3 में डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ आंसर क्या हो जाएगा? 10 एम्पियर। ओके देन अगर बात करें आई 4 में, सो आई 3 से 10 आ रही है और आई 2 से भी 2 आ रही है, तो इसका मतलब इसमें जाने वाली करंट कितनी हो जाएगी? आई 4 हो जाएगी 12। ओके तो इस तरीके से हम यहाँ पे चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ था, इसे अभी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम आगे भी और यूज करेंगे, ये जस्ट मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस तरीके से यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। चले अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, सेकेंड लॉ पे। तो दूसरा पार्ट है सेकेंड लॉ। अगर सेकेंड लॉ की बात करें यहाँ पर, सो किरचॉफ सेकेंड लॉ जो है वो काफी इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि सेकेंड लॉ पे अभी देखे जैसे मैंने बात की थी कि थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया हुआ है कि ये कब कहाँ पर कैसे वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट लॉ पे देखे क्या किया है, करंट लॉ है, जंक्शन पे वैलिड होगा और किस चीज पे बेस्ड है, वैसे ही हम यहाँ पे सेकेंड लॉ पे डिस्कस कर सकते हैं कि नंबर वन इसका दूसरा एक नेम है, इसे वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ और पोटेंशियल लॉ भी बोलते हैं। तो इसे पोटेंशियल लॉ भी बोलते हैं, पोटेंशियल लॉ। अगर दूसरा बात करें पार्ट बी, तो ये इसको ये वैलिड कहाँ पर? ये किसी एक क्लोज लूप में है, इसलिए इसे लूप लॉ भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज वैलिड ऑन एनी क्लोज लूप। थर्ड, ये जो बेस्ड है ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, सो इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है। अच्छा तो अभी इसको यूज कैसे करना है? यूज करने से पहले कुछ बेसिक्स हमें देख लेने हैं। बेसिक्स क्या याद है? कैपेसिटर में मैंने ये सारी चीजें बताई थी कि कैसे हम एक पोटेंशियल लिखते हैं। सो बेसिक्स है, बेसिक हम बता रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ, सपोज ये ए है और यहाँ पर एक बैटरी है और ये पॉइंट बी है, तो मैंने क्या बताया कि जो प्लेट पहले मिल रही है उसका अपोजिट साइन आपको यहाँ पर रखना होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ वी ए, और ये मान लेते हैं वी वोल्ट की बैटरी है, तो पहले कौन सी प्लेट आएगी अगर हम वी ए से वी बी की तरफ जा रहे हैं? जैसे हमारा मूवमेंट है इस तरफ, क्लियर। सो वी ए से वी बी की तरफ जा रहे हैं तो पहले बैटरी का प्लस मिलेगा, तो इसका मतलब हमें क्या यूज करना है? माइनस वी यूज करना है।
इज इक्वल टू क्या आ गया, वी बी आ गया, क्लियर। अच्छा बिकॉज करंट लेफ्ट टू राइट जा रही है, करंट जो है वो ए टू बी है, समझना है, करंट ए टू बी है, इसका मतलब ये है वी ए इज हायर देन वी बी। ये एक स्टेटमेंट है जस्ट कि अगर पुट करंट हम मान रहे हैं कि ए टू बी जा रही है, मतलब हम मोशन ए टू बी की तरफ कर रहे हैं, इसका मतलब वी ए हायर है वी बी से, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, कई बार पूछ लेता है पोटेंशियल डिफरेंस, सो टेंशन नहीं लेना है, सॉल्व यही करना है आपको। बट अगर पूछा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, सो अगर पूछा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, सो इसका मतलब आपको पूछा हुआ है वी ए बी, और वी ए बी का मतलब होता है वी ए माइनस वी बी। तो मुझे लगता है कोई टेंशन नहीं है, आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा एक सेगमेंट हो गया। ये किरचॉफ लॉ नहीं है, ये किरचॉफ लॉ नहीं है, ये जस्ट उसके लिए जो जरूरत है हम वो सिर्फ यहाँ पर लिख रहे हैं। सपोज ये ए टू बी है और ये प्लस ये माइनस, ये वी वोल्टेज है, बट हम जो मूवमेंट कर रहे हैं वो हमारी बी टू ए है अगर मूवमेंट, तो फिर क्या होगा, अगर बी टू ए है तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे वी बी, देन पहले कौन सी प्लेट मिल रही है, नेगेटिव प्लेट मिल रही है, सो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव वे इज इक्वल टू वी ए। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मैं भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये जस्ट एक लिखने का स्टेप होगा, तो मैं लिख देता हूँ। क्या करते हैं, टेक अपोजिट साइन ऑफ व्हिचएवर प्लेट कम्स फर्स्ट। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि व्हिचएवर प्लेट कम्स फर्स्ट उसके अपोजिट ले सकते हैं। अभी क्या बीच में रेजिस्टर्स भी होंगे, जैसे कैपेसिटर में क्या है, कैपेसिटर में तो प्लेट दिख जाती है, रेजिस्टर में प्लेट दिखेगी नहीं ना कि पॉजिटिव है या नहीं है। लाइक अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में तो बोलेगा ये प्लस है ये माइनस है, बैटरी है तो बोलेगा कि ये प्लस है ये माइनस है, रेजिस्टर में नहीं बोलता है प्लस माइनस। तो रेजिस्टर के लिए खास बात होती है, यहाँ पे हम बता देते हैं, आपको ध्यान देना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो मतलब अगर करंट आपने ऐसे अज्यूम की है तो आप इसे प्लस बोलेंगे और इसे माइनस बोलेंगे। अब आप सोचोगे सर लिखना कैसे, तो लिखना मैंने सिखा दिया ना कि प्लेट अपोजिट यूज करना है। अगर आप ये ए है और ये बी है लेट्स से, और करंट फ्लो हो रही है इस तरफ, तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो इसे कैसे लिख सकते हैं। नंबर वन, अगर हम फ्रॉम ए टू बी जा रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी, देखना अगर हम ए टू बी जा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, वी ए पहले प्लस मिल गया है ना, तो मतलब माइनस होगा, माइनस पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर इज इक्वल टू वी बी। अच्छा पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर कैसे निकालेंगे, वी इज इक्वल टू आई आर हमें पता होता है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस आई आर इज इक्वल टू वी बी। ये आपको समझना है अगर हम फ्रॉम ए टू बी जा रहे हैं। सेम फिगर में अगर हम फ्रॉम बी टू ए आए, फ्रॉम बी टू ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बी टू ए आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वी बी, बट पहले कौन सी प्लेट मिली, नेगेटिव, तो हम क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव आई आर इज इक्वल टू वी ए, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से दो लिखने के पर्सपेक्टिव है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हो लिखी दोनों सेम चीजें, पैटर्न अलग अलग है कि आप किस तरफ से मूवमेंट कर रहे हो। सो आप ये समझ लो कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो रजिस्टर में क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये लाइन, दो चीजें काम की आई, एक तो ये आई कि प्लेट का अपोजिट साइन रखना है, सो रजिस्टर में मैंने आपको साइन देखना बता दिया, बट इसको आप एज अ स्टार मार्क भी याद कर सकते हैं कि इन द मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेज बाय आई इंटू आर अमाउंट across any resistor
तो इस तरीके से ये चीज हम ध्यान दे सकते हैं कि रजिस्टर के अक्रॉस हमें किस तरीके से वैल्यू बतानी है। ओके तो अगर लेट से मैं थोड़ा सा एक इसका अपोजिट सिनेरियो ले लेता हूँ, सपोज ये ए पॉइंट है और ये रजिस्टर है और ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, बट वॉट इफ करंट वॉज फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ये करंट ऐसे आ रही होती, तो इसका मतलब ये होता है अगर करंट ऐसे आ रही है तो करंट के डायरेक्शन में पहले प्लस होता है और माइनस होता है, इस तरीके से डिफाइन होता है। जिस डायरेक्शन से करंट आ रही होती है उसको ही हम प्लस माइनस के फॉर्मेट में ट्रीट करते हैं। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में फ्रॉम ए टू बी मूव होता, ए टू बी मूव होता बिकॉज करंट उल्टा आ रही थी, तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वी ए, और माइनस है मतलब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्लस आई आर इज इक्वल टू वी बी, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इन एट द एंड आप ये लाइन अगर याद रखें कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट में माइनस होगा और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं फ्रॉम बी टू ए लिखूं तो कौन सा लॉजिक लग गया, ये वाला लॉजिक लग गया। ये जो लॉजिक मैंने बताया ये यहाँ पर एकदम परफेक्ट यूज हो रहा है, ये लॉजिक यहाँ पर प्रॉपर यूज हो रहा है कि फ्रॉम बी टू ए हम मूव कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तो बिकॉज वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो ये हो जाएगा वी बी माइनस आई आर इज इक्वल टू वी ए। बातें सारी सेम है। देखो आप सोचोगे सर इतना क्यों डिटेल बता रहे हो, मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि जब किरचॉफ्स लॉ होता है वो एक लूप में यूज करते हैं, तो लूप में आपको प्रॉपर सारे साइन और सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई हैं। तो दिमाग में सिर्फ एक ही बात रखनी है, क्या उल्टा साइन रखना है, जो साइन मिले उसका उल्टा रखना है, और अगर करंट के डायरेक्शन में रजिस्टर है, अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको नेगेटिव यूज करना है, और अगर करंट के अपोजिट जा रहे हो तो पॉजिटिव यूज करना है। ये दो स्टेप, ये जो मैंने यहाँ पे ग्रीन लिखे हुए हैं, यही दो मेन है, यही ग्रीन वाले दो मेन है। अगर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव यूज करना है, और अगर बैटरी वगैरह कुछ है तो जो प्लेट मिल रही है उसका अपोजिट साइन रखना है। अभी बताओ अगर इसमें किसी को कुछ डाउट है, जल्दी से एक बार सीखें इस चीज को, अगर कुछ डाउट है तो बताएं। ओके तो बात कर लेते हैं, फिर एग्जांपल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एग्जांपल में थोड़ा सा बात करते हैं, सपोज बिकॉज ये लूप लाया, लेट से सिंगल लूप की बात हो रही है, इन अ सिंगल लूप, सिंगल लूप, ओके इसको आइसोलेटेड भी बोलते हैं, और आइसोलेटेड लूप मतलब सिंगल लूप है और आइसोलेटेड लूप है, तो फिर हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। आइसोलेटेड का मतलब किसी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ खुद का ही लूप है। तो सपोज हम ले लेते हैं कुछ बहुत सारी वैल्यूज, सपोज एक बैटरी, रेजिस्टर, बैटरी, रेजिस्टर, बैटरी, एक और रेजिस्टर, रेजिस्टर, एक और बैटरी। ओके सो लेट्स से ये एक आइसोलेटेड सिंगल लूप हमने बना दिया हुआ है, और हम इसमें सारे रेजिस्टर की वैल्यू लिख देते हैं। सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, क्लियर। सारे बैटरीज का नेम दे देते हैं, सपोज ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सपोज किसी भी पॉइंट्स का आपको पोटेंशियल निकालना है, सपोज A का गिवन है और B का निकालना है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, A टू B ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब अगर लेट्स से आपको A का पता है, ये पॉइंट जंक्शन A है, और B का हमें फाइंड करना है जंक्शन B, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो बेटा करंट तो पहले हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई एक करंट एज्यूम करो, कैसे भी जैसे मन करे, लेट्स से हमने करंट एज्यूम की है इस तरीके की, क्लियर। तो अगर आंसर पॉजिटिव आ गया सॉल्व करने में करंट का, मतलब सही है क्लॉकवाइज है, और अगर नेगेटिव आ गया मतलब रियल में करंट कैसी है,
एंटी क्लॉकवाइज है, ये फाइंड करने का तरीका हुआ। तो इन सिंगल लूप अगर हम बात करें तो इन सिंगल लूप मैंने कैपेसिटर में भी डायरेक्ट आपको बताया है कि हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले आपको फाइंड करना है आई, आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी नेट अपॉन आर नेट, ये स्ट्रेट है। सबसे पहले निकालेंगे करंट और उसके बाद हम लॉजिक यूज करेंगे जो भी है, ठीक है। अच्छा, अब करंट निकालने में यार बैटरी को देखना पड़ता है कि जो वी नेट है वो किस डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे। तो वी नेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपने जो करंट एज्यूम किया है क्लॉकवाइज, उसके लिए तो वी कैसा होना चाहिए था, क्लॉकवाइज करंट के लिए तो वी इस तरीके का होना चाहिए था, क्योंकि ये कैसी करंट फ्लो करा देगा क्लॉकवाइज, जैसे वी थ्री है ये क्लॉकवाइज फ्लो करा देगा। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये कैसे पता चल जाएगा, ये आपको वी नेट देख के पता चल जाएगा। तो मैं ये लिख रहा हूं कि ये जो करंट होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन विल बी एज पर वी नेट, वी नेट जैसा होगा उसी के डोमिनेटिंग वाली डायरेक्शन रहेगी। अच्छा ये बताओ यार आर थ्री और आर फोर ये इनका क्या होगा, क्या हम कंट्रीब्यूशन में इनको भी ऐड करेंगे क्या वी थ्री वी फोर को? तो एक चीज थोड़ा ध्यान देना है कि मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था आपको, कैपेसिटर में भी बताया था कि ये क्या है ओपन है, ये क्या है ओपन है। अगर कोई चीज ओपन है तो मतलब आंसर क्या आने वाला है, कुछ भी नहीं। ओपन होने का मतलब ये है कि इन पे करंट नहीं फ्लो होगी, ये भी ओपन है। सो इसका मतलब इसमें भी करंट क्या है जीरो और इसमें भी ये करंट जीरो, तो इसलिए इनको क्या करेंगे काउंटिंग में नहीं लेंगे, सिर्फ किनको लेंगे वी वन वी टू वी थ्री और इन सबको ही लेंगे। तो अगर मैं फाइनली बात करूं कि सॉल्व करके देखें इस फिगर में क्या आ जाएगा, तो देखो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू देखें, देखो वी वन क्या है हमने क्लॉकवाइज करंट मानी है ना, तो बताओ क्लॉकवाइज करंट कौन फ्लो करा सकता है, वी वन करा सकता है क्या, नहीं। वी टू करा सकता है क्या, नहीं। कौन क्लॉकवाइज कराएगा, वी थ्री कराने वाला है क्लॉकवाइज, देखो वी थ्री करंट ऐसे फ्लो कराएगा। तो इसका मतलब हमारे लिए डोमिनेटिंग बैटरी क्या है वी थ्री है, बट देखें तो वी वन और वी टू की करंट हमें अपोज करने वाली है, सो माइनस वी वन माइनस वी टू ये होगा अपॉन आर नेट कितना है आर वन आर टू और आर फोर, सो इट इज आर वन प्लस आर टू प्लस आर फोर। इसका जो भी साइन आएगा अगर ये पॉजिटिव आया मतलब करंट सच में क्लॉकवाइज है, अगर ये सॉल्व होकर नेगेटिव आया तो करंट कैसी है एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। किसी को सिंगल लूप वाले में कुछ डाउट है तो बताएं, अदरवाइज हम एक एग्जांपल देखेंगे। किसी को सिंगल लूप वाले में कुछ डाउट है तो बता दें, अदरवाइज एक एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। ओके लेट्स सी वन एग्जांपल। पक्का यार पहले देख लो कुछ भी डाउट है अगर इसमें तो बता दो। करंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब पोटेंशियल लिखेंगे तो आई इंटू आर करना पड़ेगा ना, इसलिए करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ओके सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और जो हमने पूछा है फाइंड वीबी, तो वीबी आपको फाइंड करना है. ओके तो आंसर करने की जरूरत नहीं, इसे हम सॉल्व इस बहुत ही सिंपल में तरीके से कर सकते हैं. सबसे पहले मैं क्या एज्यूम करना पड़ेगा, सबसे बड़ी किसी एक बैटरी को टारगेट कर लो. सो लेट्स से हमने एज्यूम किया कि करंट क्या है क्लॉकवाइज है. सो एज्यूम किया, एज्यूम करंट क्या है क्लॉकवाइज है. सबसे पहले देखना है कि मतलब क्लॉकवाइज वाले को फिर हम पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे. सो आई इज इक्वल टू होगा, देखो क्लॉकवाइज करंट कौन कौन फ्लो करा सकता है, 20 करा सकता है, 10 करा सकता है, ये सब लोग क्लॉकवाइज दे रहे हैं. तो अगर हम फील करें सो क्लॉकवाइज करंट कौन करा सकता है, 20, 10, 40. बट देखें कि एक 20, ये वाला 20, सब ध्यान दें, ये वाला 20 अपोज क्रिएट कर रहा है. तो इसको मैं अलग हाईलाइट कर देता हूँ. ये वाला 20 थोड़ा सा गड़बड़ है, ये क्या कर रहा है, ये अपोज क्रिएट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज ट्राई करेगा करंट फ्लो कराने का. तो इसका मतलब इस 20 को माइनस करना पड़ेगा अपॉन आर टोटल. सो आर टोटल को देख लेते हैं, 5, 15, 20, 10. सो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई 20, 20 कैंसिल आउट हो गया, 50/50. सो करंट अगर हम देखें तो इट इज 1 एम्पियर. डन, तो पहला काम हो गया करंट निकालना. अब उसके बाद क्या रूल लिखना, ठीक है. तो लेट से हमने ए बी नहीं, इसे थोड़ा सा नेम दे देते हैं, सी बेटर रहेगा. लेट से ये बी है और ये डी है, ठीक है. और हमसे जो पूछा हुआ है वो ए सी पूछा हुआ है. बट ए सी पे जाने के दो पाथ हैं. सो लेट से हम पाथ फॉलो कर रहे हैं, हम जो पाथ चूज कर रहे हैं वो चूज कर रहे हैं ए बी सी. हमने पाथ चूज किया ए बी सी. तो अब देखे कैसे लिखेंगे. मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रेजिस्टर नेगेटिव लिखना होता है. मैं फिर से यहाँ दिखा रहा हूँ, मैं फिर से इस फिगर में दिखा रहा हूँ, मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रेजिस्टेंस को क्या लिखना पड़ता है, नेगेटिव लिखना पड़ता है. इस बात की हैबिट डाल लो आप. सो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हमें पता है रेजिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो लिखेंगे वी ए माइनस आई इंटू आर कितना है 20, फिर बैटरी, बैटरी का साइन पहले नेगेटिव मिल गया, हमें क्या रखना पड़ेगा फिर पॉजिटिव 10, फिर से एक रेजिस्टर मिल गया. सो माइनस आई इंटू 5, फिर से एक बैटरी मिल गया और इस बार प्लस मिला है, प्लस मिला है तो हम माइनस यूज करेंगे 20, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वी बी. ये हो गया. तो यहाँ से वी ए वैल्यू देखें, करंट कितना है 1. सो ये हो जाएगा 20 + 10 - 5 - 20 इज इक्वल टू वी बी. सो अगर हम वी ए को भी लिख देते हैं, सो वी ए क्वेश्चन में गिवन है 50. सो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे कि वी ए क्वेश्चन में गिवन है 50. सो टोटल वी बी कितना आ गया 15. सॉल्व कर दिया और वी बी की वैल्यू आ गई 15 हमारे लिए. अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप किसी भी पाथ से जाओ सेम आंसर आने वाला है. तो लेट्स से अब हम पाथ चेंज कर देते हैं और पाथ चूज कर लेते हैं ए बी सी के जगह ए डी सी. लेट्स से ये पाथ चूज करते हैं. पहले हमने ए बी सी यूज किया, अब ए डी सी चूज करेंगे. तो देखिए ए डी सी में क्या है, दो रेजिस्टर हैं, मूव करते हैं. लेट्स से वी ए माइनस पहला रेजिस्टर कितना है 10. सो पहला रेजिस्टर है 10, सो इट इज आई इंटू आर. सो आई इंटू 10, बिकॉज अब देखो हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं. सब फील करेंगे यार, हमारी करंट जो जा रही है, मैं यहाँ से रेज करता हूँ, हमारी करंट जो फ्लो हो रही है वो क्लॉकवाइज जा रही है इस तरीके से, ये हमारी करंट है. और हम जो मूवमेंट करने वाले हैं ए डी सी में, हम मूवमेंट अपोजिट टू द करंट कर रहे हैं. तो याद रखना है कि अपोजिट टू द करंट करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टर में पॉजिटिव रहेगा. सो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर क्या आएगा, अब रेजिस्टेंस में पॉजिटिव आने वाला है. अच्छा अब देखें बैटरी, तो बैटरी का पहले हमें क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया. तो हम क्या यूज करेंगे, नेगेटिव यूज करेंगे, नेगेटिव 40. फिर देखें, फिर हमें बैटरी का मिल गया फिर से प्लस 20, तो हम यूज करेंगे माइनस 20. फिर से देखे रेजिस्टर मिल गया, तो रेजिस्टर बिकॉज अपोजिट टू द करंट मूव हो रहे हैं, देन आई इंटू 15 पॉजिटिव वाला होगा इज इक्वल टू वी बी. सभी सॉल्व कर देते हैं, वी ए कितना है 50 है, प्लस ये हो गया 10, आई बिकॉज 1 है माइनस 60 + 15 इज इक्वल टू वी बी.
तो यहाँ से एकदम क्लियर है 50 प्लस 10 60 कैंसिल, वी बी क्या आ गया 50। तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है कि हम किसी भी पाथ को चूज करें आंसर हमारा सेम आने वाला है, बस आपको प्रॉपरली करंट निकालना यहाँ पे आना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा यहाँ का इम्पोर्टेंट सेक्शन था। अभी बताएं किसी को कुछ डाउट है इस वाले पार्ट में, किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है तो बता दो यार। ओके, तो मुझे लगता है सिंगल लूप वाला पार्ट एकदम क्लियर होगा, सिंगल लूप में किसी को कुछ डाउट नहीं रहने वाला है, ठीक है। सेकंड लॉ में अगर इन अ सिंगल लूप देख रहे हैं तो हमें बहुत ही क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो अगर हम बात करें इन मल्टीपल लूप्स अगर देखना है हमें, मतलब मोर देन वन होंगे, तो फिर आपको क्या करना होगा, एक बेसिक अप्लाई करना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ ये सॉल्विंग आपको आनी चाहिए। अब क्यों आनी चाहिए, क्योंकि बेटा बोर्ड्स में भी है। याद है मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में जब मैं कैपेसिटर में सिखा रहा था कि अगर यहाँ पर मल्टीपल लूप है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बोर्ड्स की तरह सॉल्व करना आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का ट्राई करता हूँ, बेटर बहुत ही बेटर रहेगा कि अगर मल्टीपल लूप्स हैं तो हमें किस तरीके से करना है, क्लियर। तो एक सेकंड, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ मैंने लिखा ही, सेकंड लॉ, लॉ का स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा है। सेकेंड लॉ का अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है। सेकेंड लॉ की अगर बात करें तो स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट ये होगा बिकॉज ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है और सिंपल सा पैटर्न है, इन अ क्लोज लूप, सपोज ये एक सर्किट है और ये क्लोज लूप है, करंट फ्लो हो रही है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, रेजिस्टर हो सकते हैं, बैटरीज हो सकती हैं, फिर रेजिस्टर, कुछ भी हो सकता है। एट द एंड स्टेटमेंट ये है, इन अ क्लोज लूप In a closed loop, क्या net potential difference वो क्या रहता है, zero रहता है, clear। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम A point से घूम फिर के A पर आ जाएंगे तो net potential difference क्या रहेगा, zero रहेगा। और बहुत ही आराम से clear भी है ये चीज, कैसे, suppose हम A point से घूम के A पर ही आ जाएं। So, मतलब ये कुछ ऐसा होगा कि वी ए प्लस माइनस ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, और घूम के वापस कहाँ पर आ गए, वी ए पर आ गए, तो इसका मतलब क्या होगा, वी ए कैंसिल आउट हो जाने वाला है ना। सो इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि वी ए क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, कि इसका मतलब ये होगा ऑल पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लिखेंगे, या उसे मैं लिखूं समेशन ऑफ ऑल डेल्टा वी विल बी जीरो। ये इन अ लूप हमें किरचॉफ सेकंड लॉ पता है। तो अगर हम किरचॉफ सेकंड लॉ की बात करें तो कैपेसिटर में मैंने ये बताया हुआ था सेम चीज है कि किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज क्या करना है। तो आपको किसी भी लूप में घूम फिर के पोटेंशियल डिफरेंस जीरो लिखना है, समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखना है, जीरो लिखना है। मैंने यहाँ पर डिटेल में क्यों नहीं लिखा, बोर्ड्स में आपको पूरा डिटेल में लिखना है, मैं फिर बता रहा हूँ, बोर्ड्स की बुक में से आप रीडिंग कर लो, आपको पूरा एकदम डिटेल में मिल जाएगा कि किस तरीके से लैंग्वेज यूज करनी है। मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और मैं ये डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो इन मल्टीपल लूप्स की अगर हम बात करें कि सपोज मोर देन वन लूप है तो किस तरीके से करेंगे, तो मैं आपको हिंट देता हूँ और ये एग्जाम्पल आपको घर से करके लेके आना है, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे कल के लेक्चर में, मैं ये आपके आंसर्स डिस्कस कर लूंगा। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, सपोज ये एक रेजिस्टर है, देन देयर इज अ बैटरी, नहीं यहाँ पे बैटरी नहीं, तो लेट्स से ये एक रेजिस्टर है, बैटरी, रेजिस्टर, ये, ठीक है। तो ये लेट्स से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लूप दिया हुआ है, रेजिस्टर्स देख लेते हैं, ये 10 ओम है, लेट्स से ये 20 ओम है, ये 30 ओम है, ये
ये 5 ओम है, ये 15 ओम है, ये रेजिस्टर्स हो गए, लेट से बैटरीज हैं, ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है और ये 15 वोल्ट है, ये बैटरीज हैं। तो ये हमें पोटेंशियल और ये सारी चीजें दी हुई हैं। एट द एंड आपको चाहिए करंट इन ईच वायर, क्लियर। तो करंट इन ईच रेजिस्टर हमें चाहिए, तो इसे हम एज ए एग्जाम्पल ट्रीट करेंगे, एज ए एग्जाम्पल करंट इन ईच रेजिस्टर। तो यहां पे हमें चाहिए फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टर। आपको फाइंड करना है करंट इन ईच रेजिस्टर। अब करते कैसे हैं? मैं सिंपल बताता हूं। पहले दो लूप एज्यूम करेंगे, तो लेट्स से कि किसी लूप में करंट किस तरह है आपको एज्यूम कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग बैटरी काम आएगी। तो अगर मैं बात करूं तो बेस्ट वे होता है कि आप सेम पाथ पे कंसिडर करें, बेटर रहता है। सो लेट्स से ये एक लूप वन है और ये एक लूप टू है। मैंने बताया कि इसलिए मैंने दोनों सेम करंट चूज की, बिकॉज जब इसमें करंट आएगी इस लूप में तो वो दोनों ऐड होके आने वाली है। तो इसमें हमने एज्यूम किया है कि ये वाले लूप में करंट कितनी जा रही है, आई वन, ठीक है, और इस वाले लूप में करंट कितनी जा रही है, आई टू। तो इस वाले में कितनी हो जाएगी, आई वन प्लस आई टू। तो ये हो गया लूप नंबर वन और ये हो गया लूप नंबर टू, क्लियर। तो आपको इस तरीके से लिखना है, समेशन ऑफ वी इन लूप वन वो जीरो करना है, और फिर आपको समेशन ऑफ वी इन लूप टू वो जीरो करना है। इन दोनों को जीरो करके करंट हमें फाइंड करना है। अब इन दोनों में जीरो करने का मतलब क्या है कि किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होके घूम के वापस उसी में आ जाओ। तो इक्वेशन लिखना मेन है, उन्हें सॉल्व करना मेन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इसी वाले पोर्शन से इसी एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस एग्जांपल के लिए हिंट चाहिए तो मैंने कैपेसिटर्स में अगर हम बात करें, सो कैपेसिटर में हमने डिस्कस किया है किरचॉफ सेकंड लॉ के बारे में। यहाँ पर अगर हम किरचॉफ सेकंड लॉ की बात करें तो ये मैंने डबल लूप का क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया है। कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर मोर देन वन लूप हम क्या यूज करेंगे, किरचॉफ्स रूल यूज करेंगे, और ये चीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की थी। अप्लाइंग मूविंग रूल इन अ क्लोज लूप, इफ स्टार्ट पॉइंट इज सेम एज द एंड पॉइंट, तो स्टार्ट और एंड क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल विल बी जीरो, किरचॉफ सेकंड लॉ। ये मैंने वहां पर भी ये चीज लिखा दी थी, और फिर इन दोनों फिगर को हमने सॉल्व किया था इक्वेशन बना के समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल्स करके। तो एक बार आप लोग उस नोट से लेक्चर नंबर 5 से हिंट ले सकते हैं, अदरवाइज आप ये सॉल्विंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से ये क्वेश्चन नोट करें। बाय द वे मैं नोट्स फॉरवर्ड करने ही वाला हूं, तो नॉट अ प्रॉब्लम, आप नोट्स में देख सकते हैं, चलेगा। तो यार अगर कुछ डाउट है तो बता दे, अदरवाइज विल इन दिस लेक्चर फॉर नाउ। ओके देन, गुड बाय एवरीवन। Bye-bye, everyone. Bye, sir. 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 Bye, sir.